खबर रीवा से है, जहां धार्मिक स्थान घुमाने ले जाने के बहाने एक व्यक्ति के द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल मामला 5 माह पुराना बताया जाता है। घटना सिमरिया थाना क्षेत्र के बिरसिंहपुर जंगल की बताई जाती है। थाना पहुंची महिला ने सिमरिया थाना क्षेत्र के खारा निवासी विजय कुशवाहा के ऊपर आरोप लगाया है कि आरोपी उसे घुमाने बिरसिंहपुर ले गया था, जहां लौटते समय सुनसान जंगल में उसके साथ दुष्कर्म किया है। किसी से बताने पर आरोपी के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी। हालांकि पूरा मामला संदेह के दायरे में भी देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी विजय कुशवाहा के खिलाफ दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई है, जिसे शीघ्र हिरासत में लिया जाएगा। आइए सुनाते हैं पूरी घटना के संबंध में क्या जानकारी दी है। सिमरिया थाना में एक महिला ने रिपोर्ट की है कि उसके साथ एक व्यक्ति दुष्कर्म किया है और लंबे समय तक उसके साथ लैंगिक शोषण करता रहा है। महिला ने बताया है कि वो उसको धार्मिक स्थानों में घुमाने के लिए उसको ले गया था और ले जाने के बाद अपने साथ रखा रहा और 5 महीने तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इस रिपोर्ट पर थाना सिमरिया में अपराध धारा 376 पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है और अन्य तथ्यों और साक्ष्यों का संग्रह किया जा रहा है। आगे भी पता लगाया जाएगा कि इसमें कौन इन्वॉल्व है, क्या है, इसका पड़ताल की जाएगी और आई हुई साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आरोपी क्या है? आरोपी जो है अभी पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ चल रही है। विजय। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए। समदड़िया